हाय, दिस इज तापस मंडल। वेलकम टू लेट्स लर्न। आज हम बात करेंगे आसाम जीडीएस के रिजल्ट के बारे में। आसाम का जीडीएस के रिजल्ट बहुत दिन हो गया, लगभग 9 मंथ हो गया, अभी तक रिलीज नहीं हुआ। और एक चीज़ देखो, यूपी का जो जीडीएस का रिजल्ट नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था। कुछ दिन पहले आने के बाद उसके बाद डेट भी एक्सटेंशन हुआ, एप्लीकेशन डेट। उसके बाद 1 मंथ के अंदर लगभग 24 डेज लगा, वहाँ पर रिजल्ट रिलीज हो गया। लेकिन देखो, आसाम का बात किया जाए, वेस्ट बंगाल का बात किया जाए, वेस्ट बंगाल का छोड़ो, फिर भी 2 मंथ या 3 मंथ हुआ, लेकिन आसाम का बात किया जाए लगभग 9 मंथ्स हो गया, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। तो ये आप जितना भी आप ट्विटर पे देखोगे, जितना भी ट्विटर हैंडल पे आप देखोगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्वीट कर रहा है, बहुत सारे लोग एंग्री है, ठीक है, क्योंकि आसाम एक हिंदी स्टेट नहीं है, ऐसे करके बहुत सारे लोग एंग्री है। तो एक चीज़ आप देखो, मैं आपको पहले दिखाऊंगा 2-3 दिन पहले का जो जितना भी ट्वीट को रीट्वीट किया इंडियन पोस्ट ने, ठीक है, और उसके बाद जो यूपी का रिजल्ट निकलने के बाद, यूपी का रिजल्ट कल ही रिलीज हुआ, इसके बाद जो मतलब पीपल है असम का, ठीक है, असम का भाई बहन जितना भी है, तो सारे बहुत ही एंग्री हो गया विद इंडियन पोस्ट, विद जीडीएस। तो एक के बाद हम एक दिखाएंगे। ये वाला आप इंडिया, अच्छा, ये वाला जो रिप्लाई है, ये इंडियन पोस्ट का रिप्लाई है। ये वाला रिप्लाई एक ऑटो जनरेटेड रिप्लाई है। कैसे ऑटो जनरेटेड रिप्लाई, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, ये वाला जो रीट्वीट था, ये 8th of June 2020 का था। यहाँ पे टाइम भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो बोला है, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ड्यू प्रोसीड्यूर्स व्हिच इज़ बीइंग एक्सपीडाइटेड। काइंडली बियर विथ अस फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू जीडीएस रिक्रूटमेंट इन असम सर्किल। काइंडली रीच एट हेल्पलाइन नंबर भी आपके पास दे दिया, तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर भी दे दिया और ईमेल भी यहाँ पे दे दिया, इसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, मतलब रिजल्ट जितने भी ड्यू प्रोसीड्योर्स है व्हिच इज़ बीइंग एक्सपीडाइटेड, मतलब बहुत ही ज़रूरी है, उस जो प्रोसीड्योर है मतलब ख़त्म होने वाला है, ऐसे कुछ बोला, ठीक है। तो जितना भी प्रोसीड्योर है वो ख़त्म होने वाला है, उस कम्प्लीट होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये बियर करने बोला, कुछ दिन मतलब सहन कर लो इसको, और कुछ क्वारीज के लिए आसाम सर्किल के रिलेटेड, तो आपको इस हेल्प लाइन नंबर पे फ़ोन करना है और ईमेल भी करना है। तो एक चीज़ इसके बाद मैं एक ट्वीट दिखाऊंगा। देखो, यहाँ पे मैंने जो पर्सनल नोटिफिक मतलब पर्सनल जो डिटेल्स है, इसको मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया, तो उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रूड होके कैंडिडेट्स ने बोला, और रूड होना भी मतलब नॉर्मल है, क्योंकि इतने दिन से मतलब रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। फॉर द हेल यू रिप्लाई आस, डोंट सेंड आस ऑटो जनरेटेड SMS, रिलीज असम रिजल्ट बिफोर 5 PM। तो रूट थोड़ा सा है, लेकिन रूट होना भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे भी आप देखो सेम चीज़, मतलब ऑटो जनरेटेड जो मैसेज है, इसको ही मतलब यहाँ पे रिपोस्ट किया, रिप्लाई किया, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ड्यू प्रोसीड्योर व्हिच इज़ बीइंग एक्सपीडाइटेड। काइंडली बियर विद अस एंड काइंडली विजिट द वेबसाइट, यहाँ पे जो वेबसाइट है, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन रिजल्ट। तो यहाँ पे विजिट करने वाला कितने बार लोग विजिट करेगा ना, तो सारे यहाँ पे बहुत ही एंग्री हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी थोड़ा सा रियूट करके यहाँ पे ट्वीट किया है इंडियन पोस्ट को, टोटली नॉनसेंस, डिपार्टमेंट कैन इवन डिक्लेयर असम रिजल्ट जीडीएस रिजल्ट फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स हो गया ना, ये तो करेगा। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑटो जनरेटेड, ये भी आपका 8th of June 2020 का ही रीट्वीट है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे भी बहुत एक रीयूट करके यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट ने, रीयूट होना बहुत ही नॉर्मल है, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे बोला, यहाँ पे भी आपको देखो ऑटो जनरेटेड जो ए मिला रीट्वीट करके यहाँ पे भी दिया, ठीक है। नेक्स्ट और एक आपको यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा रीयूट करके बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला बाय दिस वीक यहाँ पे रिलीज़ करने बोला, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोला देखो, थोड़ा सा अलग करके बोला, मैडम रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सून, काइंडली बियर विद अस फॉर सम टाइम मोर, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो यहाँ पे भी बोला जल्दी आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा। तो 9 मंथ्स ऑलरेडी हो गया और थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, मुझे लगता है आप बहुत ही प्रेशर है, आसाम जीडीएस रिजल्ट निकलने ही वाला है, ठीक है, रिलीज होने ही वाला है, क्योंकि बहुत ही प्रेशर है। मैं आपको क्यों ये भी बोलूँगा, ठीक है। हाउ मेनी डेज यू विल टेक टू पब्लिश असम जीडीएस रिजल्ट, वी नीड आवर असम जीडीएस रिजल्ट। तो यहाँ पे भी आपको बोला सर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड वेरी सुन, थैंक्स एंड रिगार्ड, ओके। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आप देखो यस्टरडे, हम यस्टरडे की बात करेंगे, ओके, यस्टरडे की बात करेंगे। यस्टरडे क्या हुआ, यूपी का जीडीएस का जो रिजल्ट है वो निकल के आ गया, और वहाँ पे लगा 24 डेज। 24 डेज के अंदर यूपी का जीडीएस का रिजल्ट आ गया, यहाँ पे 9 मंथ से पेंडिंग है। तो इसलिए गुस्सा आप ठोकने वाला है, देखो सारे पब्लिक बहुत ही अंग्री हो गया,
ओके विद द इंडियन पोस्ट विद द GDS, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर एस DOP इज नॉट गोइंग टू रिलीज असम GDS रिजल्ट, आई वांट माय एप्लीकेशन फी बैक। ओब्वियसली ये जो मतलब ट्वीट किया ना, ये मेरा दोस्त ने एक ट्वीट किया, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ट्वीट किया, तो गुस्सा होने का एकदम नॉर्मल बात है, 9 मंथ हो गया ना। UP GDS रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड विद इन 24 डेज, बट DOP इज प्लेइंग विद आवर रिजल्ट सिंस द लास्ट 10 मंथ्स, वी आर लूजिंग आवर होप नाउ। ओब्वियसली नॉर्मल सी बात है, तो आप लोग भी आवाज़ उठाओ, ठीक है। आप लोगों को जो हेल्पलाइन नंबर मिला और जो ईमेल मिला, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली मतलब फ़ोन भी करो और ईमेल भी करो, थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। यूपी यहाँ पे और एक देखो तो UP GDS रिजल्ट रिलीज्ड आफ्टर ओनली 1 मंथ ऑफ एप्लीकेशंस, बट Assam GDS रिजल्ट इज नॉट रिलीज्ड येट आफ्टर 9 मंथ्स, व्हाई इज दिस डिस्क्रिमिनेशन? ओब्वियसली वन टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज देखो आप 1 मंथ लगता है एक रिजल्ट निकलने में, एक रिजल्ट रिलीज करने में 1 मंथ लगता है, तो 9 मंथ क्यों वहाँ पे? ओके, यहाँ पे 9 मंथ क्यों? ये बात हुआ था वेस्ट बंगाल का भी, Cycle 1 का, वहाँ पे एक्चुअली जो रिलीज नहीं किया गया था, एक्चुअली केस चल रहा था हाई कोर्ट में, ठीक है, लेकिन फिर भी केस के पीछे बहुत ही टाइम लग गया। तो आप लोग भी आवाज़ उठाओ तो जल्दी रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखो, यू गाइस लॉस्ट ऑल सेम, यू हैव नो केयर अबाउट द असम GDS रिजल्ट, बट फॉर UP एंड अनदर हिंदी जोन स्टेट यू हैव, दिस कंट्री इज नॉट फुल विद द हिंदी एंड देयर आर अदर रिलीजन्स ऑल्सो, टेक केयर ऑफ इट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू से इन द स्टेट ऑफ द इंडियन एम्पायर। देखो यहाँ पे भी जो दोस्त ने बोला, जो जितना भी हिंदी स्टेट है, हिंदी स्टेट में रिजल्ट बहुत ही जल्दी पब्लिश हो रहा है, लेकिन जितना भी हिंदी स्टेट नहीं है, जैसे असम का, जैसे वेस्ट बंगाल का, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट निकलने के बहुत ही टाइम हो रहा। तो एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशंस एक्चुअली नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशंस बोलना भी ठीक नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा और कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली तो जो रीजंस है कोई नहीं जानता एक्चुअली रीजंस, लेकिन आप लोग अगर जो ऑफिशियल वहाँ पे हेल्पलाइन है वहाँ पे सब लोग अगर फ़ोन करोगे और जो ट्वीट आप लोग कंटिन्यूस करोगे, तो प्रेशर में आके सारे रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। और मुझे लगता है इस मंथ के अंदर, जून के अंदर, जून का एंड में या जुलाई का फर्स्ट वीक में रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ट्वीट करते रहो, थोड़ा सा एक साथ आओ, सारे जितना भी असमवासी हो तो सारे एक साथ आओ, तो ओब्वियसली रिजल्ट आप लोगों का पब्लिश हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन, होप यू ऑल एंजॉयड द डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।